जिस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं हो पाया, उसका इलाज हुआ है भारत में। जी हाँ, युगांडा से आए एक दंपति के 18 महीने के बच्चे को ऐसी बीमारी थी कि पूरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। दुनिया के कोने कोने में इलाज नहीं हुआ, भारत आने के बाद बच्चे की दुर्लभ बीमारी का इलाज हुआ। लाइलाज बीमारी के इलाज से मेडिकल साइंस में भारत ने नए मुकाम को छू लिया है। अपनी मां के साथ मस्ती करते इस बच्चे का नाम अल्फा है। अल्फा अटखेलियां कर रहा है। मां की गोद में बैठा अल्फा उछल कूद कर रहा है। माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही है। पूरा परिवार खुश है। अल्फा के माँ बाप भारत और यहाँ के डॉक्टर्स की तारीफें करते नहीं थक रहे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश ने कर दिखाया है वो जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। दरअसल अल्फा 18 महीने तक दूसरे बच्चों की तरह सामान्य था, लेकिन अचानक एक दिन अल्फा बीमार हुआ। बुखार इतना था कि शरीर में अकड़न आ गई। अल्फा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अल्फा के माता पिता फौरन डॉक्टर के पास ले गए। दुनिया के कई डॉक्टर्स के साथ लंबा इलाज भी चला, लेकिन हालात में सुधार होने के बजाय अल्फा और बीमार होता चला गया। सीटी स्कैन और फिर एमआरआई हुआ, जिसके बाद युगांडा के डॉक्टर्स ने उसे भारत रेफर कर दिया। भारत आने के बाद पता चला कि अल्फा को ऐसी बीमारी है जो बहुत दुर्लभ है। अल्फा को स्टर्ज वेबर सिंड्रोम यानी के SWS नाम की बीमारी है। दुनिया के अधिकतर डॉक्टर्स इस बीमारी के इलाज से हाथ उठा देते हैं। The time reached when actually most of his cells were destroyed and most of his brain parts couldn't function anything. He could not sit, he could not talk, he could not do anything. Saliva was coming out. SWS ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अल्फा अक्सर बीमार रहने लगा। एक दिन अल्फा का सर झूल गया। ना वो बोल सकता था, ना ही कोई हाव भाव रह गए थे। शरीर में अकड़न बढ़ने लगी थी। अल्फा और उनके माता पिता भारत आए और StemRx बायोसाइंस संस्था में इलाज शुरू करवाया। StemRx बायोसाइंस के डॉक्टर्स की माने तो अल्फा का इलाज स्टेम सेल थेरेपी द्वारा लगातार एक महीने तक किया गया। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम नाम की इस बीमारी में कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्टेम सेल थेरेपी से इन सेल्स को रिपेयर किया गया और अब अल्फा ठीक हो गया। इंडिया का पहला केस है, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम इंडिया का सबसे पहला केस है। और इस बच्चे का हमारा पूरा प्रोग्राम एक महीने का था, और एक महीने में वो बच्चा जो उसका 21 महीने का जो लॉस था वो पूरा भर कर निकल गया। एक महीने के लंबे इलाज के बाद अल्फा अब सामान्य बच्चों जैसा हो गया। अब अल्फा मस्ती करता है, खेलता है। माँ बाप भी बेहद खुश हैं क्योंकि उनका जिगर का टुकड़ा अब ठीक हो गया है। अल्फा के माँ बाप को भारत देश से प्यार हो गया है। यहाँ उनको न सिर्फ प्यार मिला बल्कि उनके बच्चे को एक नया जीवन मिला है। आज वो लोग फिर से युगांडा अपने देश लौट जाएंगे, लेकिन भारत और यहाँ के डॉक्टर्स की सुनहरी यादें हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। मुंबई से मृत्युंजय की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।